नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, दीपक नाइट्रेट इस शेयर के ऊपर आज बात करने वाले हैं, और इस शेयर के ऊपर बात करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है दोस्तों कि इसमें लगातार अगर आप एग्जैक्टली बात करेंगे तो लगभग मान के चलिए 10 दिनों में 24% से भी ज्यादा गिरावट इस शेयर में आ चुकी है। और वो व्यक्ति या वो इन्वेस्टर, खासकर रिटेल इन्वेस्टर जो ऊपरी स्तर में फंसे हुए हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए, प्लस जो ब्रोकरेज हाउसेस है, एनालिस्ट है, उनका क्या मानना है, इन सब में चर्चा होगी दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि ये औरों को भी रिकमेंड हो, और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए क्योंकि आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, लगभग फ्लैट ये आधे परसेंट गिरावट आप बोल सकते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रेशर में है दोस्तों। और मैं बताऊं, ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ दीपक नाइट्रेट के पास नहीं है दोस्तों, पूरी की पूरी जो केमिकल सेक्टर है ना, वो इस समय बहुत जबरदस्त तरीके के प्रेशर में चल रही है। क्या है वो प्रेशर, आपको आगे बताऊंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या राय है हमारे के एनालिस्ट की, ब्रोकरेज हाउस की, इन सब में चर्चा करेंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दूंगा मैं इसे मिटा लूं दोस्तों। अब चलते हैं, देखिए आप एक क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से देखिए, ठीक है, आपको इसी में इसके सारे आंसर मिल जाएंगे जो इसमें गिरावट हो रही है। आप देखिए, जो सितंबर क्वार्टर आया गाइस, ये पिछले बार से सेल्स के मामले में तो अभी भी ज्यादा बेहतर है दोस्तों, आप देखिए। लेकिन जो प्रॉब्लम है दोस्तों, एक्सपेंसेस में थोड़े से नजर में आइए, आप एक्सपेंसेस देखिए काफी बढ़े हैं दोस्तों, बल्कि बात करेंगे 20 से 30% तक आप बोल सकते हैं एक्सपेंसेस बढ़ गए। और उस एक्सपेंसेस के यानी खर्चे का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, तो आप उसको पाएंगे, एक सेकंड रुकेगा, ये देखिए आप मटेरियल कॉस्ट पर थोड़ा नजर डालिए दोस्तों। जहां मटेरियल कॉस्ट 54% हुआ करता था, वो बढ़ के 63% हो गया है, ठीक है दोस्तों। और जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो घटाई गई है 1%, उसके बावजूद ये हाल है। यानी आप समझिए, जो प्रेशर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है मटेरियल कॉस्ट में, और उसके बाद जो प्रेशर है वो दोस्तों सबसे बड़ा प्रेशर किसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। देखिए, जहां पिछले क्वार्टर में 30% 31% दो क्वार्टर में था, उसमें लगातार तीसरा दोस्तों सीधा 23% आ गया दोस्तों। और जो कि आप देखिए तो पिछले कई क्वार्टर रिजल्ट से, जो दिसंबर 2019 है उस समय 23% था, वो अभी भी अब जाके 23% हुआ। यानी जो मार्जिन है दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्लस जो है जो मटेरियल कॉस्ट है, ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो खा जा रहा है दोस्तों। और यही कारण है अंत में आप देखिए, जहां 303 करोड़ का फायदा हुआ था पिछली बार नेट प्रॉफिट, वो घट के 254 करोड़ हो गया दोस्तों। यानी कि 10 से 15% के आसपास का आप मान सकते हैं नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। और यही दोस्तों सबसे ज्यादा गिरावट का जो है, मैं कहूंगा वो कारण है दीपक नाइट्राइट का। देखिए, एक आध क्वार्टर खराब रिजल्ट आता है, प्रेशर रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है गाइस, जब इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन में कोई कंपनी यार ट्रेड करती है ना, तो इतना सा डेंट भी उसके जो शेयर प्राइस के लिए बहुत बड़ा इशू रहता है। और आप देखिए, जो ब्रोकरेज हाउस है उनका क्या मानना है, आप देखिए जो मोतीलाल ओसवाल का क्या मानना है, देखिए द ब्रोकरेज हैज डाउनग्रेडेड द स्टॉक टू न्यूट्रल, द स्टॉक ट्रेडेड एट 31x 29x फाइनेंशियल ईयर 23E टू 20 फाइनेंशियल ईयर 24E EPS owing to the limited earning growth opportunity till the time its greenfield expansion get commissioned, ठीक है दोस्तों। देखिए, जो स्टॉक है वो 31 to 29 के मल्टीपल की बात की जा रही दोस्तों, ठीक है। और इन लोगों को, जो मोतीलाल ओसवाल है, उनको कोई भी एक, मैं कहूंगा अर्निंग ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती जब तक कि इनका जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन है वो कमीशन नहीं हो जाता। उसमें क्या है दोस्तों, फिनॉल डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट वुड रिजल्ट इन कैप्टिव फिनॉल कंजम्पशन ऑफ 35 to 40%, ठीक है दोस्तों। नाउ वी डाउनग्रेड द स्टॉक टू न्यूट्रल, इन्होंने जो स्टॉक है उसको न्यूट्रल कर, डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है। वैल्यूइंग द स्टॉक एट 28x December 23 EPS वी अराइव एट अ टारगेट प्राइस ऑफ 2300। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल 2300 का टारगेट प्राइस दे रहे हैं, ठीक है। द ब्रोकरेज हाउएवर सेड दैट द मैनेजमेंट्स इंक्रीज्ड
focus toward advanced high value product would aid margin expansion and sustainability for the company, which investors are most wary of. It would also result in a multiple re-rating for the stock as the mix of specialty and complex chemistry product increases. Despite a CapEx of 1,800 crore over the next 3 years, it is expected to turn net cash positive by financial year 23E, with an FS generation of 1,800 crore over financial 2024E. देखिए दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने एक सबसे अच्छी बात कही है कि आपको भले इसमें अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ना दिख रही हो, जब तक ये ग्रीन फील्ड का एक्सपेंशन ना हो जाए, लेकिन जो कंपनी ने अपना जो फोकस दोस्तों वो हटा, जो सबसे ज्यादा फोकस किया है वो सबसे ज्यादा किसमें कर दिया दोस्तों, हाई एंड प्रोडक्ट जो रहते हैं, ठीक है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट हाई एंड मार्जिन के प्रोडक्ट में कर दिया है, जो कि वाकई एक किसमें साथ देगा दोस्तों इनके मार्जिन में। और देख लीजिए, इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन मल्टीपल री रेटिंग फॉर द स्टॉक एज द मिक्स ऑफ स्पेशलिटी एंड कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, जब इनका स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इनके मार्जिन में वाकई बहुत ज्यादा दोस्तों फायदा हो सकता है, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए अभी न्यूट्रल रखा हुआ है मोतीलाल ओसवाल ने। अब देखिए, राहुल शर्मा जो को फाउंडर है इक्विटी 99 के, वो कहते हैं इन्वेस्टर कुड लुक एट एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक एट लोअर लेवल्स। दीपक नाइट्राइड हैज अ गुड आरओसी ऑफ 39.9% एंड एन आरओई ऑफ 39.6%। दोस्तों ये जो आरओसी और आरओई देखिए, क्या ये कंपनी के, ये तो दर्शा रहा है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी है सेल्स के मामले में, लेकिन इट हैज रिड्यूस इट्स डेट एंड इट्स अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ जस्ट 0.25x। The company has delivered super PAT growth of 64.84% CAGR over the last 5 years. दोस्तों profit after tax, PAT मतलब profit after tax की जो growth है वो 64% से भी ज्यादा है for the last 5 years. तो समझ सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं, सिर्फ past performance ही दोस्तों guarantee नहीं होती है future performance की। ठीक है, it has been consistently generating positive increasing operating cash flows over the last 3 years. Promoters are major shareholder holding 45.69%, DII is 10.61% and FII is of 10.85%. The company has a free float of just 32.85%. देखिए दोस्तों, दीपक नाइट्रेट के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है, FII, DII 10% से ज्यादा की स्टेक रखते हैं, प्लस शेयर होल्डिंग जो शेयर होल्डर है मेजर वो 45 रखते हैं। लेकिन मैं यहां पर्सनली अपनी एक बात बता दूं, जो FII, DII है दोस्तों, ये जब इतनी हाई वैल्यूएशन शेयर हो जाते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि आप जब सितंबर बाद जो अक्टूबर क्वार्टर, जब अक्टूबर की शेयर होल्डिंग आए, अक्टूबर जब इसके बाद सितंबर के बाद जो होल्डिंग्स आएगी रिजल्ट, आपको पता चलता है क्वार्टर में कि DIFC शायद अपने सेल स्टेक बेच दे। दोस्तों आपको याद होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, उसमें थोड़ा जाके देखिएगा, यही सीनैरियो हुआ है, FIDI ने अपने स्टेक सेल किए हैं, और दीपक नाइट्राइड दोस्तों जब तक ये भागा था, और अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो आ भी रही है। ठीक है, इन द शॉर्ट टर्म हाउएवर द स्टॉक माइट फेस लिटिल करेक्शन एंड देन कंसोलिडेशन, बट द लॉन्ग टर्म व्यू इज इंटैक्ट विद रिटेनिंग प्राइस ऑफ 3000 लेवल्स। दोस्तों इनका मानना है कि 3000 जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में दोस्तों करेक्शन आ सकती है, जो कि आ रही है, उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, और ये सब चीजें जब हो जाएंगी उसके बाद ही इसमें एक री रेटिंग आएगी। और दोस्तों मेरा पर्सनल मानना है, अभी वाकई पूरा का पूरा दोस्तों देखिए, जो केमिकल सेक्टर है ना, एक तो सेक्टर वीक है दोस्तों, ठीक है, प्लस जो मार्केट सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो गिरावट है दोस्तों फ्लैटिस सी है, आप 2150 से लेकर के 2000, आप मान के चलिए 2000 के बीच ये लेवल चेक कीजिए, अगर ये सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो यहां से बाउंस बैक आएगी। और दोस्तों प्लस ये भी देखना है अपने को कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। ठीक है, देखिए अभी रिस्क है इस सेक्टर में और इस शेयर में भी, ये बात आप जान के रखिए। ठीक है, एक हाई रिस्क लेकर ही नई एंट्री करी, वरना अभी शेयर में थोड़ा दोस्तों नई एंट्री की तो सलाह नहीं देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऊपरी स्तरों पे है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने एक बात याद रखनी है, अगर आपने एक लॉन्गर टर्म के लिया है तो बिल्कुल ही एवरेज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा गिरावट हो सकती है, और 2100 से 2000 का लेवल अगर टूटता है तो फिर ये शेयर थोड़ी सीवियर हो सकती है। ठीक है, इसीलिए रिस्क ले सकते हैं तो नई एंट्री यहां कर सकते हैं, या थोड़ा देखिए एक या दो दिन, फिर मार्केट का सेंटिमेंट वीक है दोस्तों, अगर ये 2150 को 2000 को तोड़ देता है, निचले स्तर में जाना शुरू करता है, तो थोड़ा वहां से आप एक्टिवेट करना शुरू करें। अभी केवल स्टॉक को देखें किस तरह करवट बदलता है।
उसके बाद हम बात करेंगे इसमें सेकंड दोस्तों, क्योंकि अगर जब तक ये 2300 को कम से कम तोड़ के नहीं जाता, नई री रेटिंग तो मुझे नहीं लगता या कोई नई तेजी शेयर में नहीं आती, तो जब तक 2300 ना तोड़े ऊपरी स्तरों पे, इस शेयर में नई एंट्री की ना सोचे दोस्तों। ये मेरी पर्सनल राय थी, अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चाहे पहली बार आए चाहे सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों जो मैं आपसे बात करता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, आपको कोई भी पोजिशन आने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है दोस्तों। यहाँ तक देखिए, धन्यवाद। चैनल में नया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।